हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आप काफ़ी चीज़ें गाइड करेंगे, जैसे आप अपने एड्स चला कर सी पी एम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ टू सेट अप एड्स एड्स हाउ टू इंक्रीज एड सी पी एम, मल्टीपल चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। और जो इसमें आपको ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, आज की वीडियो का वो भी छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले देखिए, यूनाइटेड स्टेट की तरफ ट्रैफिक आई है इतनी, और जिससे मुझे 3 क्लिक के ऊपर क्लिक बहुत काम है, और सी पी एम 3.3 का और $68 की अर्निंग हुई है। ओके, और ये चीज़ें काफ़ी, और इसमें आपको बताता जाऊँ आपको किस तरह अर्निंग होगी। सबसे पहले आपको बताता जाऊँ, ये गूगल साइट है, एक गूगल की एक प्रोडक्ट है, जिसपे आप अपनी छोटी मिनी साइट को एक वेबसाइट बना के वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने बनाई है, एक ये देखें, मुकम्मल एक मैंने वेबसाइट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना है। यही आपको क्योंकि गूगल का नाम है, ये एक अथॉरिटी साइट होगी ऑलरेडी, ये रैंक होगी। अगर आपने बहुत एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड जो आर्टिकल लिखा है, जो लो मतलब के कीवर्ड पर लिखा होगा, वो आपका बहुत इजीली रैंक हो सकता है, और जिसके साथ आपको ट्रैफिक मिल सकती है। जैसा कि ये मैंने ऊपर लिखा है, द बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज, ये मैंने ChatGPT से लिया था आपको मतलब कि टेस्ट कराने के लिए, एक किस तरह आर्टिकल जो मिनी है जैसे आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी कस्टमाइजेशन है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अगर आपको ट्रैफिक कोई बंदा आए और अगर रीड करने के लिए और मोर होगा क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, जिससे आपको ट्रैफिक मिलेगी और आपको वहाँ से अर्निंग होगी, जो आपकी वेबसाइट होगी जो भी उस पर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। मेन चीज़ होगी ये आपको बनाना कैसे। सबसे पहले गूगल में आना है, आपको सर्च करना है गूगल साइट। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक सिंपल से आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस तरह। आपके पास कुछ और चीज़ नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्लैंक स्टार्ट ए न्यू साइट पे क्लिक कर देना है। अभी तो मैं आपको वैसे गाइड कर रहा हूँ, और आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। आपको ऑलरेडी पता होगा आर्टिकल लिखते कैसे हैं, वो आप इजीली कर लेंगे। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, जिन चीज़ें मैंने जो यहाँ से ये वाली चीज़ें सारी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, खुद लिखूँगा इतना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल से आपने कुछ करना, यहाँ पे आके थीम आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, और भी ले सकते हैं, और नॉर्मल से ही अगर आप कोई भी चाहे अगर ये भी ले सकते हैं, ये भी मैंने ये वाली चूज़ की थी, आप इसे कर सकते हैं। ओके, जैसे होगी आपको जो मेन टाइटल होगा वो आपने इधर लोड कर देना है, और सिंपल से आपका जो टाइटल वो आ जाएगा। अगर आप कह रहा हूँ आपका जो छोटा मिनी कीवर्ड है बेस्ट सीरीज, आपका मेन कीवर्ड आपने लेना है, उसे कॉपी कर लेना है। अगर आपका कोई भी टॉपिक से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है और भी हो सकता है, कुछ ही करना इस तरह की चीज़ें करनी है। और मैं यहाँ से ये भी कर लेता हूँ, और इंसर्ट पे आना है, इन टेक्स्ट इनबॉक्स कर देना है, और ये फिलअप कर देना है। ये छोटी सी चीज़ें आ जानी है। उसके बाद मैं एक ये भी आर्टिकल ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आर्टिकल टेक्स्ट, और एक न्यू में जाके इसे भी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आप इमेज रह गई है, इमेज आपको क्या करनी है, गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज। ओके, अगर आप चीज़ें ये नहीं करेंगी, आपको 100% आपके लिए वर्क नहीं करेगी, आपको कंटिन्यूसली 1 मंथ तक करनी है, फिर यही चीज़ें आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। आस्ता आस्ता यही चीज़ें आपको फिर बहुत ज़्यादा
अर्निंग करके देंगी, फिर आपको इस चीज़ का बेनिफिट होगा ज़्यादा। अगर आप वैसे इसमें देखेंगे और ट्राई नहीं करेंगे, आपके लिए वेस्ट चीज़ हो जाएगी ये सारी चीज़ें। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ अभी, और मेरे पास कुछ चीज़ें डाउनलोड हैं, वो भी मैं आपको वहाँ पे लगा के दिखा दूँगा। वैसे आपको यहाँ पे करना है चेंज और अपलोड, जो चीज़ें होंगी वो आपको अपलोड कर देनी होंगी। ये देखिए जी, और ये हो गया। अगर ये देखना, अगर आपको ये टैक्स नहीं सही लगा, आप चेंज कर सकते हैं, टाइटल कर सकते हैं। इसमें सारे जो ब्लॉगर के ऊपर चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें इजीली हो जाती है। इसमें कोई रैकेट सेंस रोकड़ की चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें आप भी कर सकते हैं। अब चीज़ें हो गई, और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं जाता हूँ। नीचे भी कोई तस्वीरें वगैरह कुछ ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैं चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। दो तीन टेक्स्ट मुझे लेना होगा, यहाँ से मैं अपलोड करूँगा। अपलोड नहीं भी करूँगा, जैसे आपको मैं ऑनलाइन नहीं दिखा देता हूँ चीज़, जैसा कि ये क्लियर होने दी। ये देखिए, कॉपी की है, पेस्ट की है, और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये भी यहाँ पे लोड हो रही है, इसमें यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक और लेता हूँ, और एक गूगल पेस्ट हो गई थी। और ये देखिए इधर, थोड़ा सा गलत हो गया था, इसलिए मैंने इस सारे ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसे दोबारा ले लेता हूँ। दोबारा लेके आपको यहाँ पे नीचे पेस्ट करना होगा, वो जैसे लोड होगी वो आपको ऊपर कर देनी पेस्ट। ओके, ये हम इधर लेते हैं वैसे ऑलरेडी, ऊपर की जगह पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इसे। वो भी कुछ चीज़ गलत हो गई, आप उसे बैक भी कर सकते हैं। इसमें आपको इतनी सेंस रॉकेट की कोई चीज़ नहीं है। और हम ये जल्दी ख़त्म करता हूँ, टाइम भी रिस्टोर है वैसे भी हमारा। आपको वैसे शो करने के लिए मैं कह रहा था, वैसे आपको डाउनलोड करके अच्छी तरीके करने से वैसे नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। आपको कुछ इस तरह चीज़ें करनी है। और ये रही, और ये ले। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज। ओके, सिंपल है, कुछ जो आपका एडिटेड आर्टिकल लिखा होगा आपने, वो लिखा होगा आपको, वो लिखनी चीज़ें आपने लिखनी है। टॉप 5 नेटफ्लिक्स सीरीज। ओके, नीचे भी आप वही कर सकते हैं, जो सिंपल से नेटफ्लिक्स करके कर सकते हैं। और ये रहा, ये रहा, और ये चीज़ें होगी कंप्लीट। और छोटे से चीज़ें, और अगर हमें ये यहाँ नहीं चाहिए, बहुत सारा डिलीट हो गया, उसे वापस लेते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको करनी है सिंपल से। और मैं इसे भी ले लेता हूँ वैसे, ये वर्ल्ड बैंक से ली।
आपको एसईओ ऑप्टिमाइज आपको नहीं ऐसे सिंपल करनी, आपको डाउनलोड करनी होगी प्रॉपर तरीके से। ये चीज़ें बस सिंपल से हो गई हैं, आपको अभी शो कर देता हूँ किस तरह चीज़ें हमारी हुई हैं। वो अभी अपलोड नहीं हो रही थी इधर, ये देखिए सिंपल सी वेबसाइट बनाई है, कितनी अच्छी हो रही है। और टेक्स्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं आपको, वैसे जो ये चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी, नॉर्मल करनी है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे फिर वो आपको यहाँ यूज़र होगा वहाँ से रीड कर लेगा और आपकी फाइनल वेबसाइट वहाँ पहुँचेगा। और यहाँ से आपने एक बटन ऐड कर लेना है जिसका मैं यहाँ पे क्लिक देता हूँ, क्लिक हेयर टू रीड मोर। और जैसे आपकी वेबसाइट का जो भी नाम होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम ये है, सिंपल से इंसर्ट करता हूँ, वो बटन वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसकी जो लेंथ है वो आपने खुद डिसाइड करनी है, कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं, क्या चीज़। और इसका आप जो चीज़ें फिल वगैरह, आउट टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट और फील्ड आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये नॉर्मल चीज़ें होगी। और एडवांस चीज़ें बढ़ते हैं, जब आपको मेन आपने पूरा लिख लिया है, कस्टमाइज आपने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट लिख लिया है, इमेज, सारी चीज़ें आप जो इसमें हैं वो आप कर सकते हैं इसमें। और एक और चीज़ आप इसमें पेज भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा नेटफ्लिक्स। ओके, वो एक पेज बनेगा, एक और चीज़ बन जाएगी, वो आपको दोबारा फिर सारा एक मतलब कि मल्टीपल लिख सकते हैं। ये होम पे आएंगे जो हमने डाटा लिखा है वो आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ है इसमें, जो आपको पता होना चाहिए। जब आप पब्लिश पे आएंगे, पब्लिश करूँगा, ये देखें मेन चीज़ यहाँ पे, सर्च सेटिंग रिक्वेस्ट पब्लिक सर्वर इंजन नोट डिस्प्ले माई साइड। आपको इस पर क्लिक कभी नहीं करना, आपको इस पर अनचेक ही रहने देना है। जैसे आपको एक ले लेना है कीवर्ड, वो आपको पेस्ट कर देना, ये देखिए वो नहीं आ रहा था। अगर आप कुछ वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं 2024 कर लेता हूँ, ऐसे लिखेंगे और आपको पेस्ट कर देना होगा। आपकी जो वेबसाइट है वो अब अलाइव हो चुकी है गूगल के ऊपर। ओके, ये सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक कह रहा हूँ एक चीज, जैसे आप हाई कंटेंट लिख के एड्स सेंडिंग कर रहे थे, क्योंकि अब इसमें जो आप क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट लगी होगी जिस पे गूगल एस तरह के ऐड लगे होंगे। कुछ लोग अरे हमें पता नहीं है हमें कहाँ के ऐड लगानी है ऐड तरह की, वो आपको मैं बेस्ट वे में बता दूंगा आपको कौन सी यूज़ करनी है यूएसए के अंदर, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिंक अभी यूज़ नहीं कर रहा इतनी ज़्यादा, मैं सिर्फ बैनर एडिट कर रहा हूँ, उसका काफ़ी अच्छा मुझे सीपीए मिल रहा है, मैं वही रेफर करूँगा, क्योंकि वो दूसरी चीज़ें हैं वो स्पैम में चली जाती है, इसलिए मैं वो कम यूज़ करता हूँ जिसकी मेरी ऑडियंस भी ना ख़राब हो। एक सिंपल सी वेबसाइट, अगर कोई बंदा यहाँ पे आएगा थोड़ा सा रीड करेगा अच्छा लगेगा, वो कह रहा है रीड मोर कर, फिर वो वहाँ पे क्लिक करेगा, वो आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये बेस्ट वे है ट्रैफिक लाने के लिए, गूगल सेट का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाई अथॉरिटी वेबसाइट की आपकी ट्रैफिक आएगी और उसके साथ आपको अर्निंग होगी। ये छोटी सी वीडियो है, और एक नई वीडियो में आएंगे। गुड बाय।